खाना खाने के बाद यहाँ पे निकलते समय थोड़ा सा चावल दान करना पड़ता था। सो ये है गाइस गोल्डन गाड़ी, वो है मेन गेट, यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे तो हाँ अभी आएगा थोड़ी देर बाद बाजार मार्केट घूमेगा तीन बाग छता। लोग निकले फिर से एक नया जगह एक्सप्लोर करने और वो जगह का नाम है द गोल्डन टेम्पल। और अभी हम लोग देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑटो तो खड़ी है लेकिन बात करते कितना फेयर लेगा। और यहाँ पे ना फेयर ये लोग पूरा बड़ा चला के बोलते हैं तो बार्गेनिंग तो करना ही पड़ता है। और बार्गेनिंग करने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है, उन लोग को हिंदी और इंग्लिश उतना आता नहीं। गोल्डन टेम्पल जाना है, तीन जने 180 में होगा दादा, 10 किलोमीटर का बस जाता था, अब नहीं जाता है, ये जब काम कर दिया ना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो गाइस हम पहुंच गए अभी द गोल्डन टेम्पल। टेम्पल तो यहाँ से दिखता नहीं, अंदर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे कैमरा अलाउ है या नहीं है वो तो पता नहीं हमको, तो अगर कैमरा अलाउ होगा तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ का व्यू देखिए। ये रहा यहाँ का टिकट, 100 rupees पर पर्सन। और ये है आपका टोकन भी, ये टोकन है आपका टिकट। हाँ ये टिकट आपका टोकन है कि 12 बजे के बाद जो भोग यहाँ पे मिला खाना, तो वो आपको ये दिखाने के बाद ही मिलेगा। और भोग होगा यहाँ मंडप के नीचे। कौन सा मंडप? ये मंडप मंडप है, यहाँ पे खाना सर्व होगा। अच्छा, कितना बजे खाना सर्व होगा? आफ्टर 12 तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:30 हो रहा है। 11:30 तो अभी 30 minutes बाकी है, तो हम लोग अभी पूजा कर लेते हैं मंदिर घूम लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे होता है मंदिर पे। अगर अलाउ करेंगे तो वही अभी हम लोग एंटर बाहर पे है, बाहर के एरिया में, अंदर नहीं, अंदर शायद मे भी ना दे। तो अगर देते हैं तो गाइस आपको दिखाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बाहर से ही दिखा पाएंगे आपको। चलो फिर। A few moments later. So guys, ये पीछे का काउंटर देख रहे हैं, ये फ़ोन रिटर्न करने का काउंटर है, डिलीवरी काउंटर। और उस साइड है, और उस साइड डिपॉजिट करने का काउंटर। तो फ़ोन यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, हमारा यहाँ पे फ़ोन और कैमरा पूरा डिपॉजिट किया था। अरे लो फ़ोन पकड़ा, मेरा फ़ोन ये। सो गाइस आपको पता चल गया कि यहाँ पे फ़ोन डिपॉजिट करना पड़ता है और मंदिर के अंदर अलाउ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे खाना मतलब भोग दिया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे खाना खा के फ़ोन वीडियो किया है। खाना खाने के बाद यहाँ पे निकलते समय थोड़ा सा चावल दान करना पड़ता है, तो हमने थोड़ा चावल भी दान किया है। वहाँ पे एक गेट है और वहाँ से एंट्री करना पड़ेगा, और यहाँ से ऐसे घूम के ये पूरा, अगर ये यहाँ पे दो टाइप का
मतलब एंट्री है, एक 100 रुपीस वाला पूरा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको पूरा ये पूरा घूम के ये हॉल के पीछे से होके ये वाला रास्ता से, मतलब वो नेट के अंदर से, वो जो लोग हैं वो नहीं, वहाँ से होके ये वाला मेन गेट है। तो यहाँ पे 100 रुपये करके एक जन का, और डायरेक्ट एंट्री करोगे तो 250, मतलब 250 रुपये में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा आपको 250 रुपये में, और पूरा घूम 100 रुपये में आपको पूरा घूमना पड़ेगा। तो हम लोग 100 रुपये में गए थे, देखना था कि यहाँ का कैसा कैसा है। तो आपको घूमना है तो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करना है, सिर्फ नहीं मुझे सिर्फ पूजा करके रिटर्न आना है, तो आप 250 रुपये दे के अंदर जाके पूजा करके आ सकते हैं। मुझे तो 100 रुपये में फ़ायदा लगा, क्योंकि मुझे पूरा घूमने को मिला, पूरा मंदिर अंदर जाके भी अंदर का पूरा मंदिर के चारों ओर घूम के, उसके बाद मंदिर के दर्शन करके उसके बाद वापस आते हैं। हम निकलते समय भी यही वाला गेट है, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, निकलने का लाइन है ये, और निकलते समय ये लाइन जाती है सीधा इस भोजन घर में, जिसे बोलते हैं भोग घर। भोग दिया जाता है यहाँ पे, खाना खिलाया जाता है सब। द गोल्डन वैन या गोल्डन ट्रक। लाली का पेड़ जल गया पूरा, देखो लाल, यहाँ पे इतना धूप है कि पूरा पेड़ जल जाता है। इसके साथ ये प्रसाद टीका क्या क्या ये सब मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत साल बाद आए ना हम लोग, 10-12 साल बाद आए हम लोग यहाँ। शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो वहाँ पे बड़ा सा गेट देख रहे हैं, वो है मेन गेट, यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे तो मंदिर है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण एंट्री यहाँ से होता है। और गाड़ी पार्किंग वगैरह यहाँ पे, यहाँ अंदर, और फ़ोन रखने के लिए 5 रुपये करके एक फ़ोन का, और जूता रखने के लिए 10 रुपये एक पेयर का। बहुत कमी है गाइस, इस धूप में नंगे पाँव चलना ये भी एक टाइप का एडवेंचर ही है। बहुत सारा मंदिर होके हम लोग को गुजरना पड़ता है, और जो मेन मंदिर है वहाँ से निकलने के बाद ठीक उसके नीचे एक छोटा सा सोने का मूर्ति है, तो उस मंदिर में जाने से पहले बॉयज़ लोग को, लड़का लोग को अपना कपड़ा उतारना पड़ता है, मतलब ऊपर का सिर्फ शर्ट उतारना पड़ता है। तो खाली बदन लेके वहाँ पे जाके मूर्ति, माँ की मूर्ति को पानी का चढ़ावा देते हैं। हमें ऐसा बैग मिलते हैं, ऐसा फ़ोटो भी मिल जाता है बैग में, और गंगा जल, टीका, कुमकुम, और ऐसे इस बैग में ऐसा फ़ोटो, गंगा जल, टीका और प्रसाद मिलता है, और बाकी सब आप प्रसाद अलग से भी ले सकते हैं घर में ले जाने के लिए, वो प्रसाद आप 10 दिन तक रख सकते हैं। तो गाइस ये है मेन गेट, यहाँ से सीधा जाने से टेंपल है, और मेन गेट के आगे ही गणेश जी का मूर्ति, यहाँ पे है सीधा गेट, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो सीधा देख सकते हैं आगे दुर्गा माँ का मंदिर, और दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे और भी जाना है, सीधा 1 किलोमीटर जैसा चलना पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर जैसा हम लोग को चलना पड़ता है सीधा जाने में, उतना दूर है 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, टोटल 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखा है श्रीपुरम श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेंपल। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, यहाँ का मार्केट देखते हैं, और देखते हैं यहाँ का कैसा क्या क्या मिलता है, आपको भी दिखाते चलिए।
यार ये ऑटो वाला पूरा हम लोग को परेशान कर रहा है। नहीं भैया नहीं, थैंक यू। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दुकान ही दुकान है, और इन दोनों को देखो धूप से पूरा परेशान। ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब क्या बोलते चलते फिरते आग में चल रहे। बाप रे, जब नंगे पांव चल रहे थे ऐसे गर्मी में और ऐसे रोड में, तो पैर तो पूरा जल गया, पूरा लाल हो गया। अभी तो जस्ट यहाँ का स्टार्टिंग है, ये गर्मी का अभी यहाँ का जस्ट स्टार्टिंग है, ये फरवरी महीना है। अब जैसे मार्च आएगा उसके बाद देखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये यहाँ का बस स्टैंड है। हाँ अभी आएगा थोड़ी देर बाद, बाजार मार्केट घूमेगा। झालमुड़ी बैग के शॉप में आई है, बैग देख रही है, देखते 150 दे बोल रहे हैं। 150 150 दे दिने भएको छ अरे बाप रे, ये क्या है देखिए। यो हरियो वाला होइन, हरियो न कसो त्यो पिङ्क कलरको नि, तिम्रो त्यो लेङ्गाको सराराको लागि कानको यो है। निकाल्नु सक्दैन अरे हो, लिन्छ भने मात्रै अरे हो, लेगा तो ही निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। तो हेलो गाइस, मैं अभी रूम पहुंच गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिए टाइगर टाइगर ब्लॉग और सपोर्ट कीजिए हमें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून, डू व्हाटएवर लाइक, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स।